ये JCB 3DX है, 2013 का मॉडल है। तो यहाँ पे आए थे, इसका एक्चुअली स्विंग जाम हो रहा था लीवर, तो यहाँ पे देखो खोला है हमने, स्पूल को खोला है। अभी स्पूल लाने गए मालिक, स्पूल लाने, यहाँ पे देख सकते हैं, दिखेगा कहीं यहाँ से। मैंगो का सीजन है तो मैंगो आ गए। ये 2013 का मॉडल है कंफर्म। तो क्या हो रहा था इसका, एक्चुअली स्पूल जाम था। वो ऑपरेटर ने भी एक बार खोल के देखा था, तो खोल के हमने देखा तो ऐसा कुछ डैमेज तो नज़र नहीं आया, बट स्पूल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया अंदर का स्पूल। तो बस स्पूल रिपेयर हो नहीं सकता, उसका जो बेंड है निकलता नहीं है, तो स्पूल को रिप्लेस करना पड़ेगा, नया स्पूल डालना पड़ेगा। तो मालिक जो है वो स्पूल लेके आएंगे, तब तक एक बार दिखाता हूँ आपको अंदर का कंडीशन। कुछ नए बंदे होते हैं उनको पता नहीं होता। ये देखो, ये स्पूल है और ये बेंड है। बेंड होने पर रिप्लेस करना पड़ता है ये स्पूल। और दूसरा इसका ये है कि ये कंपनी का जेन्युइन नहीं मिलता है पुराने मॉडल में। यहाँ पे स्पूल है, 6 स्पूल होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो तब तक मालिक लेके आएंगे स्पूल के साथ। अभी ये जो सील है वो भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी जाम जा रहा था स्विंग। अब ऐसा क्यों और कब कब होता है, अगर इसकी बात करें तो कभी गलती से आपने, अगर स्विंग का प्रॉब्लम है, स्विंग सिलेंडर खोला उस टाइम पे, उसके अंदर अगर कचरा वगैरह गया तो ये दिक्कत आता है। तो कभी भी कोई भी सिलेंडर या होज पाइप खोलते हो आप, तो आपको उसे ठीक से क्लीन करना चाहिए। उससे अगर डस्ट मिट्टी कुछ भी चला जाता है अंदर सिस्टम में, तो ये सारी दिक्कत आती है, स्पूल जाम जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो बस ये छोटी सी जानकारी देना चाहता था आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।